आज 16 दिसंबर 2018, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मनवा भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मनवा भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ, सनातन हेल्थ सॉल्यूशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको हेल्थ से जो भी जुड़ी समस्याएं हैं उसका हम बहुत ही अच्छे से, आप बिल्कुल घर में जैसे खुद ही अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आज आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए मैं आप बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ। कृपया इसको जितना हो सके आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, देखो दोस्तों, आपका ये शरीर है, मान लीजिए भी किसी भी तरह से आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप चाहते नहीं हैं कि हमारे कोई भी बीमारी हो, लेकिन कोई बीमारी आपको अगर हो जाती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। या फिर आपकी बीमारी जो हो गई तो आपके पास एक ही चारा रहता है क्या, कि उसका इलाज, कि कैसे उसको दूर किया जाए आपके शरीर से, आपके जीवन से। तो दोस्तों, मैं आपको एक यही राय देना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं। आपको कोई भी बीमारी हुई हो तो आप घबराएं नहीं, बस भगवान पे भरोसा करें और आप उसका इलाज करें। इलाज करना क्या, मैं बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा कि कोई भी बीमारी अगर आपको है उसका इलाज करने से पहले आपके मन में, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंसान का सबसे पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख कहा जाता है कि घर में हो माया। तो पहला सुख आपका निरोगी काया होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी काया, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी जो घर में माया, उसी का, उसका माया का मतलब पैसा, उसका तभी तो आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बीमारी दूर करने के लिए, ये कहानी को सुनना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस कहानी को सुने। इस कहानी को इसलिए मैं सुनाने जा रहा हूँ ताकि आप इस कहानी को सुने, आपकी बीमारी के लिए ये कहानी है। आपकी जो बीमारी है, लीवर में कैंसर, किडनी में कैंसर, या कैंसर से कोई भी बीमारी है, कैंसर रोग है, टीवी है, किडनी फेलियर है, हेपेटाइटिस बी है, या बड़ी से बड़ी जितनी भी त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी जो भी बीमारी है, कैंसर, टीवी, लीवर, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया या ट्यूमर, जो भी बीमारियां हैं, उन सभी के इलाज के बारे में ही ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको 100% आपको लाभ होगा, कोई भी इलाज शुरू करने से पहले। ये कहानी इसलिए मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक आदमी होता है दोस्तों, वो क्रिमिनल होता है, चोर, आप सोच सकते हैं कि चोर, कि जो चोरी करता है। तो दोस्तों, वो जो चोर होता है तो वो कहीं से चोरी, जहाँ पे भी चोरी करने जाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है कि जिस घर में वो चोरी करने जाता है चोर, उस घर के सदस्यों को वो जान से मार देता है। चोरी करने जाता है और उन घर उन उसके घर के जो सदस्य होते हैं, जिस घर में चोरी करने जा रहा होता है, उस घर के सदस्यों को वो जान से मार देता है। और उसमें
एक बच्चा भी होता है, मासूम सा बच्चा होता है, बहुत ही प्यारा बच्चा, जिसको वो जान से मार देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी चोरी पकड़ी जाए और फिर उसको सजा हो, तो इसलिए वो अपने सबूत नहीं छोड़ना चाहता है चोरी का, कि कोई कोई भी उसकी सबूत को बाहर पहुंचा ना सके कि मैंने ही चोरी की है। तो दोस्तों जब उस मासूम बच्चे को मार देता है, लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों कि चोर या पापी कितनी भी सफाई से चोरी करे, पाप कितनी भी सफाई से किया गया हो, कभी ना कभी वो खुल ही जाता है। तो उसी तरह दोस्तों कुछ समय के बाद वो चोर पकड़ा गया और उसको हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब फांसी की सजा होती है, वो सजा हमेशा मतलब मारने में ही फांसी की सजा दी जाती है, ऐसा है, रूल है। और ये कहानी दोस्तों रियल कहानी है, ये अमेरिकन कहानी है, अमेरिका की कहानी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कहानी है, अमेरिका के का ये चोर होता है। तो दोस्तों जब उसको सजा सुनाई जाती है, तो वहाँ के अमेरिका के डॉक्टर, देखो अमेरिका दोस्तों वैसे भी बहुत 27 करोड़ की आबादी है समथिंग, तो वो लोग बहुत विकसित है, तो वो लोग कुछ ना कुछ रिसर्च या सर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों उस चोर को जब फांसी की सजा सुनाई गई, तो वहाँ के डॉक्टरों ने सोचा क्यों ना इस पे रिसर्च कर लिया जाए। तो दोस्तों डॉक्टरों ने उसको फांसी की सजा दी। जब फांसी की सजा होने वाली थी, तो डॉक्टरों ने कहा इसको हम फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, इसको हम ये करेंगे कि इसको सर्प से डसवाएंगे। और उसको बता दिया गया कि चोर को कि तुमको फांसी नहीं दी जाएगी, तुमको सांप से, काले नाग से डसवाया जाएगा, कोबरा से, किंग कोबरा। दोस्तों किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सर्प होता है, आप सोच नहीं सकते कि इंसान को वो डसते ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है, बचने का कोई इलाज ही नहीं है अगर किंग कोबरा किसी को काट ले, इतना जहरीला होता है। तो दोस्तों जब उस चोर को पता लगता है कि मुझे फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी के फंदे पे ना चढ़ा के ये मुझे सांप से डसवाएंगे, तो दोस्तों जब उसको फांसी के यहाँ पे उसको सजा मौत की देने दी जा रही होती है, वहाँ पे ले जाया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, उस चोर को सुनाई नहीं देता। चोर को ये पता है कि हमारी मौत जो होने वाली है वो किंग कोबरा के डसने से मौत होगी, ये बता दिया जाता है उसको। लेकिन दोस्तों होता क्या है, वो डॉक्टर अपना आपस में प्लान बनाते हैं और रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको किंग कोबरा से ना डसाकर जो दोस्तों सुई की पिन होती है, सुई नुकीली, वो चुभोते हैं, और सुई चुभोते ही, लेकिन वो जो चोर होता है उसको क्या लगता है कि किंग कोबरा डस रहा है, और सुई चुभो कर निकाल लेते हैं। दोस्तों कुछ मिनटों में ही वो इंसान के मुख से फेना झाग सा निकलता है और वो मर जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे जरूर कि वो आखिर वो मर कैसे गया, मतलब उसको कोई किंग कोबरा वगैरह सर्प ने नहीं काटा, उसके सिर्फ मामूली सी पिन, साड़ियों में जो पिन लगाई जाती हैं, सुई आप कह सकते हैं, सुई चुभोई गई थी, उसमें तो कोई जहर भी नहीं था, उसके बाद भी वो मर क्यों गया? तो दोस्तों ये डॉक्टरों की सोची समझी पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि उसको मौत की सजा तो देनी ही थी, तो उन्होंने सोचा रिसर्च ही क्यों ना कर लिया जाए। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बताया कि वो मरा क्यों, कैसे मरा, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों उसको जहर नहीं दिया गया या जहर से डसाया नहीं गया, लेकिन वो मर गया क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सर्प होता है, और अगर वो किसी इंसान को काटेगा तो इंसान किसी कीमत में बच नहीं सकता। तो दोस्तों बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं जो वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, उस इंसान को सर्प ने नहीं काटा, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि मुझे किंग कोबरा ने काटा है, और उसका दिमाग वैसे ही बिहेव करने लगा, और जैसे सर्प काटता है उसी तरह वो डर की वजह से हार्ट अटैक आकर वो मर गया, जबकि उसको कोई किंग कोबरा से डसाया नहीं गया। तो दोस्तों मैं ये कहानी इसीलिए बताना चाह रहा था कि दोस्तों कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी इलाज आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप
आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने दिमाग में बना के ही रखनी पड़ेगी दोस्तों, कि हर मर्ज का इलाज है, हर बीमारी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपने ही सनातन हेल्थ सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, जो हर बीमारी का इलाज करने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, आप कोई भी दवाई खाने जा रहे हैं, कोई भी बीमारी आपको हो, तो वो दवाई खाने से पहले आपको मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे दवाई खाने से पहले और दवाई को देखें, आपको 100% फायदा होगा। आप एक बार करके देखें, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ये। ओम नमो नारायण नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो ये मंत्र दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। कितने बार दोस्तों? 21 बार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का दोस्तों 21 बार जाप करना है दवाई खाने से पहले। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे दवाई खाने से पहले और दवाई को देखते रहना है, हरि नारायण आपकी इस हर बीमारी को जरूर ठीक कर देंगे और आपको 100% फायदा होगा। दोस्तों, अगर मैंने मेरा ये चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। जितना ज़्यादा आप दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम नमः शिवाय दोस्तों। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2018, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मनवा भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मनवा भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।